हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। यहाँ पर मैच होने वाला है यूईएफए यूरोप लीग का, जो कि खेला जाएगा आर्सेनल वर्सेस एफसी बोर्डो लिमिट के बीच एक घंटे 29 मिनट के बाद। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कई लोग कह रहे हैं भाई आज तुमने ओपन टीम नहीं दी, तो देखता हूँ भाई कौन सी टीम ओपन देता हूँ। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो भी ओपन टीम आएगी वो इसी चैनल पर आएगी। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो यहाँ पर आर्सेनल और बीडीओ के अंदर आर्सेनल टीम को ही फेवर करना। मैं आपको बहुत अच्छी राय दूंगा। देखो, कोई भी मैच हो, आपने फेवर अभी यूईएफए लीग के अंदर बड़ी लीग, जैसे बड़ी लीग देखो, बीडीओ जिस लीग में खेलती है उस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, और आर्सेनल के बारे में हम सब जानते हैं कि आर्सेनल टीम खेलती है इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, ठीक है। और बीडीओ एज़ कंपेरिजन टू बीडीओ आर्सेनल टीम, उनके विनिंग चांसेस 90% है, तो इसलिए मैं आर्सेनल के साथ जाऊँगा। सबसे पहले बात करें यहाँ पर अगर हम निकिता हेकिन की, तो यहाँ पर निकिता हेकिन को लूँगा। इट्स नॉट ए वुमेन, ठीक है, नाम भले जैसा मर्जी हो, तो आप उस नज़रिए से देखो कि इट्स अ प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस प्लेयर को ले रहा हूँ। आगे से अगर बात करें, देन यहाँ पर मैं लूँगा जी मैगलस को, गैब्रियल मैगलस, इनका सबसे ज़्यादा पुराना एंड एक्सपीरियंस बंदा है भाई। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जी मैगलस को मैं कब से खेलता देख रहा हूँ आर्सेनल के लिए, एंड बहुत अच्छा खेलता है। हर बार ऐसा खेलता है कि भाई की सिर्फ यही है डिफेंडिंग में, मतलब हर बार ऐसा जिताता है और बहुत बढ़िया खेलता है। मैं तारीफ़ के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। बी वाइट की बात करें, यहाँ पर लेंगे बेन वाइट को। बेन वाइट अगर देखो जल्दी सब्स्टिट्यूट होता है तो परेशान मत होना, ये लीग ही ऐसी है कि इसमें चांस दिया जाता है, अपने एक दो गोल करो फिर सब्स्टिट्यूट हो और दूसरे को मौका दो, ये लीग है ही ऐसी, ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि बी वाइट अगर सब्स्टिट्यूट जल्दी हो भी जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आगे से अगर बात करें, आप लूँगा जिनचैको को। ये पहले मैनचेस्टर सिटी में था, जब से इधर आया है बहुत नाम कर रहा है भाई, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ इस प्लेयर को लेके। आगे से अगर बात करें जाका की, तो यहाँ पर लेंगे ग्रैनिट जाका को। ग्रैनिट जाका ने तो अलग ही रूप लिया हुआ है भाई साहब, मतलब मैं मानोगे नहीं, मैं अपनी टीम के अंदर ना कभी भी मैं कभी भी इसको नहीं छोड़ता, मैं कभी भी बुकायो साका को अपनी टीम में ड्रॉप नहीं करता, आज भी नहीं करूँगा, अभी भी लूँगा, मैं कह रहा हूँ आपको, मुंह पे कह रहा हूँ मैं अभी भी लूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कि ड्रॉप किसको करना है, क्योंकि या तो मैं मार्टिनेली को ड्रॉप करूँगा या फिर साका को, हो सकता है मैं ओडेगार्ड को भी कर दूँ, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। बट मैं इतना कह दूँ कि साका को ड्रॉप नहीं करने वाला, भले ही ओडेगार्ड को कर दूँ, तो अभी ओडेगार्ड को आप दूसरे विकल्प में लेके चलो, इट्स एन सेकेंड ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन है, ओके। तो अभी आगे से बात करें वेस्टलेंसकिन की, यहाँ पर लूँगा हुगो को। तो हुगो वेस्टलेंसन इज़ अ नॉर्मल प्लेयर एंड यू शार्टनेस बहुत तगड़ा है। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं बीडीओ के फेवर में होता तो आई थिंक ये मेरा वाइस कैप्टन या कैप्टन होता आज के मैच में। और आगे से अगर बात करें, देन यहाँ पर हम स्ट्राइकिंग में लेंगे गैब्रियल जीसस को। पहले मैनचेस्टर सिटी में था, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि इसको वहाँ पर ज़्यादा मैचेस खिलाने नहीं देते थे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के अंदर यही है, उनके पास इतना स्क्वाड है, एक टाइम पर खेल ही नहीं पाता पूरा स्क्वाड, इसलिए इसको बाद में चांस दिया गया, तो इसको ज़्यादा चांस मिलता नहीं था, इसने टीम चेंज किया एंड सीधा आर्सेनल में आ गया और यहाँ पर मेन रोल अदा कर रहा है। और मार्टिनेली खेलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। और पेलेग्रिनो की बात करें, यहाँ पर है पेलेग्रिनो, लास्ट मैच के अंदर एक गोल और दो असिस्ट के साथ बहुत ज़बरदस्त अपना नाम करके गया था। आगे से अगर बात करें कैप्टन की, कैप्टन है गैब्रियल जीसस। वाइस कैप्टन लोग जाका को रखेंगे, बट आई एम गोइंग विद मार्टिनेली, क्योंकि मैं जाका को जो मर्जी कह लूँ, जितनी मर्जी तारीफ कर दूँ, लेकिन मैं वाइस कैप्टन रख नहीं पाता, तो मैं इसको रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।